ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल आप यूज करते हैं तो पेस्ट स्पेशल का यूज जानते हैं कि पेस्ट एज वैल्यूज ही मोस्टली आप यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डेटा देख लीजिए कि इसमें क्या है, मेरे पास डेट्स हैं, टेक्स्ट है और क्या है, ये फॉर्मूला है कुछ जो कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि डेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में है, सेल्स भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, यानी कि डबल डेसिमल पोजिशन, ठीक है। तो पेस्ट एज वैल्यूज का यूज हम करते हैं वैल्यूज को फिक्स करने के लिए, जैसे कि जो मेरा फॉर्मूला से अगर वैल्यू आ रही है तो वो चेंज हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वो वैल्यू कॉन्स्टेंट करनी है, तो उसके लिए मोस्टली पेस्ट एज वैल्यूज का यूज करता हूँ मैं। तो मैं उसके लिए राइट क्लिक करूंगा जहां मुझे पेस्ट करनी है, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और वैल्यूज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। ये यूज करते हैं आप? जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो सेम फॉर्मेट में क्या होता है कि आपने देखा होगा, अगर आप डेट सही फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं तो डेट का फॉर्मेट बिगड़ चुका है, या का सेल्स का फॉर्मेट बिगड़ चुका है, डबल डेसिमल पोजीशन में था यहाँ पे बिगड़ गया। अगर आपको पेस्ट में ये नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट एज वैल्यूज में मेंटेन रखनी है तो आप क्या करेंगे, आप ये हाँ ये नंबर फॉर्मेटिंग होती क्या है एक्चुअली, डबल डेसिमल पोजीशन, हम देखते हैं नंबर टैब में जाते हैं या फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये जो अपने पास पोजीशन सेटिंग के ऑप्शन होते हैं ना, तो ये होते हैं नंबर टैब के अंदर, ठीक है जी, फॉर्मेट सेटिंग के, तो इसलिए इसे नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हमें ये पता करना कहते हैं तो इसे नंबर फॉर्मेटिंग है, तो पेस्ट एज वैल्यूज के साथ कैसे यूज कर रहा है इसको, आप कॉपी कीजिए पेस्ट एज वैल्यूज, जहां करना है इस वैल्यू की जगह यहां से उठा लीजिए वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, आपका फॉर्मेट आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है जी। डबल डेसिमल पोजीशन और डेट फॉर्मेट सही मिला। एक चीज और देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, कॉलम सेटिंग थोड़ा सा अलग है, जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं कॉलम सेटिंग, आवाज काफी आ रही है पीछे से, रूपे जी, रूपे जी, हेलो रुपे जी, हाँ सर, हाँ सर, स्टार्ट करें, हाँ स्टार्ट करें सर, हाँ तो आपको तो मैंने ये वाला टॉपिक दे दिया था, तो फिर मोहम्मद साहब को मैं ये फिर बाद में दे दूंगा, हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होते हैं, ये भी बेसिक टॉपिक ही है, ठीक है जी। मोहम्मद साहब मैं इसको आपको बाद में दूंगा, आप अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है सर। रुपे जी, आज के मैंने आपको बोला था कि आज हम करेंगे अपना एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेकेंड ही क्लास है नहीं है आपकी, हेलो हेलो, हाँ जी सेकेंड क्लास है नहीं है आपकी, हाँ सर, हाँ मोहम्मद साहब आपकी फर्स्ट क्लास मेरे पे उधार रही, मैं आपको दोबारा दूंगा वो, तो हम अपनी सेकेंड क्लास के साथ ऑफ, ठीक है जी। तो करें आज के टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है हमारा कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स। अब देखिए एक्सेल बहुत लोग चलाते हैं, बट वैल्यू किन की होती है, जो स्पीड से चलाते हैं, टाइम सेविंग के एडवांस का मतलब होता है कि हर चीज अपनी टाइम सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि तो हमारा जनरली कीबोर्ड का यूज माउस से कहीं फास्ट होता है, ठीक है, तो माउस से नेविगेट करने के बजाय अगर हमें शॉर्टकट मालूम होंगे तो हमारी उंगलियां कीबोर्ड पर ज्यादा तेज चलती है, ठीक है, तो वो एक एडेड एडवांटेज देता है एक्सेल यूजर को पावर यूजर बनने में। तो पहली थिंग ये कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा शॉर्टकट है, ठीक है, तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि जब आप किसी भी
शॉर्टकट के पास जाएंगे, माउस लेके जाएंगे किसी भी ऑप्शन के पास, तो उसके नीचे एक टूल टिप दिखाई देगी, ठीक है जी। जैसे बोल्ड में देख रहे हैं आप कंट्रोल बी आ रहा है, इटैलिक पे करेंगे कंट्रोल आई आ रहा है। तो अब ये छोटी मोटी चीजें तो आपको मैं मानता हूं ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है। और सेकेंड थिंग जो हम मोस्टली स्पीड अप करने में काम आती है वह ऑल्ट की। हमारे कीबोर्ड पे एक ऑल्ट की होती है, जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं, प्रेस करके छोड़ना है, बस एक ही बार प्रेस करना है, तो आप देखेंगे यहां पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं। आ रहे हैं सर, दिखाई दे रही है जी? तो ये कीवर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, मान लीजिए इस एरिया पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी होम टैब एक्टिवेटेड नहीं है तो मुझे होम पे जाना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ऑल बॉर्डर्स क्लिक करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को अगर मुझे शॉर्टकट के थ्रू करना है तो पहले क्या करूंगा, मैं ऑल्ट की दबाऊंगा। ऑल्ट की दबाते ही मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, दबा के छोड़ देना, तो कुछ कीवर्ड्स आ गए। अब कोई भी टैब जो है, अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है तो पहले ये कीवर्ड आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना पड़ेगा। सच एज होम को एक्टिवेट करने के लिए मुझे एच को प्रेस करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करके एक बार छोड़ देना। जैसे ही मैंने प्रेस किया, बाकी के कीवर्ड्स मेरे आ गए, ठीक है जी। तो ऑल्ट के बाद मैंने एच दबाया तो होम की के बाकी के कीवर्ड्स आ गए। सेकेंड थिंग, मैंने जाना था बॉर्डर में, तो बॉर्डर के नीचे मुझे दिखा रहा है बी, ठीक है जी। नेक्स्ट की प्रेस करूंगा मैं बी, जैसे ही मैंने बी को प्रेस किया बॉर्डर के और ऑप्शन खुल गए मेरे साथ। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स के लिए आ रहा है ए, जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है जी। अब इसको दोबारा करते हैं कैसे, ऑल्ट एच बी ए, ये बन गया शॉर्टकट, कहीं भी अप्लाई करना है सिलेक्ट किया ऑल्ट एच बी ए, अचानक से बगैर दिखाई दिए हुए ये अप्लाई हो गया, ठीक है जी। मान लीजिए मुझे मर्ज करना है यहां, मर्ज इन सेंटर, तो उसके लिए देखते हैं क्या शॉर्टकट है। सिलेक्ट कर लिया मैंने, देन मैंने ऑल्ट की दबाई, होम में जाना पड़ेगा मुझे, एच दबाया, मर्जन सेंटर के लिए क्या दिखा रहा है एम, देन मर्जन सेंटर यहां इस ऑप्शन के लिए सी, ठीक है जी। तो मुझे मर्जन सेंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एच एम सी, फटाफट किया हो गया। इसी तरह अनमर्ज करना है तो ऑल्ट एच एम क्यू, अनमर्ज हो गया। दोबारा बॉर्डर अप्लाई करना है ऑल्ट एच सी है। आपने देखा कि शॉर्टकट्स किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आपको इसमें महारत हासिल करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए जब ऑफिस में काम करते हैं माउस को रख दीजिए एक साइड में और चालू हो जाइए कीबोर्ड से ऑल्ट की के जरिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपको जो ऑप्शन यूज करते हैं उनको आप शॉर्टकट की तरह यूज कर पाएंगे, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, डेटा सिलेक्ट के बाद यहाँ डेटा में जाके ये फिल्टर है, ठीक है जी, यहाँ जाके लगाता हूँ। कई लोग इसके लिए शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, पर ऑल्ट की के जरिए क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट का बटन दबाया मैंने, ऑल्ट डेटा पे जाने के लिए ए, और फिर फिल्टर के लिए क्या दिखा रहा है टी, ऑल्ट ए टी दबाया, मेरा फिल्टर अप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट के कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑलमोस्ट आपके दिखाई देने वाले जो ऑप्शन है जो आपके टैब पे अवेलेबल है वो सारे के सारे आप शॉर्टकट्स के थ्रू चला सकते हैं। अब जैसे एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या दिखाएंगे, टैब पे जैसे कीवर्ड दिखा रहा है वैसा ही ऑफिस बटन पे भी दिखाता है। जैसे ही ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो ऑफिस बटन पे एफ लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। ऑल्ट की के बाद एफ दबाया, फिर
यहाँ प्रिंट प्रीव्यू के लिए जाते हैं, एक एरो है प्रिंट के बगल में, तो उसको दिखा रहे W, W प्रेस किया, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए V। तो क्या है मेरे पास शॉर्टकट, Alt F W V, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट हो गए हमारे Alt की से चलाने वाले। एक और तरह का शॉर्टकट इसमें यूज होता है डायलॉग बॉक्सेस को यूज करने के लिए, ठीक है जी। एक हो गए कंट्रोल की वाले, एक हो गए ऑल्ट की वाले, और एक होते हैं हमारे शॉर्टकट डायलॉग बॉक्सेस को ऑपरेट करने के लिए, वो अलग होता है। जैसे इस तरह के, इस तरह की सॉफ्टवेयर विंडोज को डायलॉग बॉक्सेस कहते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन के लिए सपोर्टिव ऑप्शंस का काम करते हैं, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल करके लाते होंगे, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल वन करके भी लाते होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे नेविगेट करना है, तो पहली चीज जब आपको इसमें टैब के जरिए जाना हो, जैसे नंबर के बाद अलाइनमेंट खोलना है, फिर फॉन्ट खोलना है, फिर बॉर्डर खोलना है, इस तरह से करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल की दबा के रखते हुए, यहां कंट्रोल की जो है वो प्रेस रहेगी हमेशा। सेकेंडरी आप प्रेस करेंगे टैब, कंट्रोल की दबाते रखते हुए प्रेस टैब को बारी बारी प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी, चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपको इस बढ़ते ऑर्डर में रिवर्स में आना है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और टैब, तो फिर ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है जी। यहां तक तो हो गया, बाकी बचे अंदर के ऑप्शन, इनको कैसे शॉर्टकट से एक्सेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन सब ऑप्शंस में जो भी लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल के एच के नीचे आप देखेंगे अंडरलाइन है, या वर्टिकल में वी के नीचे अंडरलाइन है, रैप टेक्स्ट में डब्ल्यू के नीचे है, श्रिंक टू फिट में के नीचे है। तो ये अंडरलाइन करेक्टर हमारा शॉर्टकट के लिए सेकेंड स्टेप है। इस केस में Alt की ही यूज होगी, बट इसमें Alt आपको दबा के रखना है, जैसे कंट्रोल दबा के रखते हुए कंट्रोल भी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, तो ऐसे ही Alt की भी दबा के रखनी है, और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका अंडरलाइन करेक्टर अप्लाई कर। जैसे श्रिंक टू फिट करना है तो मुझे Alt दबा के रखते हुए K पे क्लिक करना पड़ेगा, K को दबाना पड़ेगा, के को जैसे ही प्रेस किया दोबारा दबाऊंगा हट जाएगा, दोबारा लगाऊंगा लग जाएगा, तो लगाना हटाना आप यहां से कर सकते, ठीक है। रैप टेक्स्ट के लिए W, Alt को दबा के रखते हुए W, ठीक है जी, लग रहा हट रहा है। देन आप गए, मान लीजिए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करना है, तो H के नीचे है, Alt को दबा के रखते हुए H, अब ये आपका खुल गया लिस्ट। लिस्ट में एक और बता दो नेविगेट करने के लिए, जो आपका फर्स्ट लेटर होता है किसी भी ऑप्शन का, वो आप दबाएंगे तो इसमें चलने लगेंगे। जैसे सी दबा रहा हूं तो सेंटर के बीच में टॉगल हो रहा है, लेफ्ट लेना है तो एल दबा दिया मैंने, जनरल लेना है तो जी दबा दिया मैंने, ठीक है जी, फर्स्ट लेटर। अब आपने सिलेक्ट कर लिया, ये एक्टिवेट करना है, तो एंटर कर दीजिए, कर दिया। अब यहाँ आपका लिस्ट में ये चीज सिलेक्ट हो चुका है जनरल। नेक्स्ट चीज होती है इसको अप्लाई करने की, यानी कि आपको ये ओके का बटन दबाना पड़ेगा तब अप्लाई होगा। तो आप ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं ओके के चारों तरफ, इसका मतलब है कि आपकी एंटर की ओके पे एक्टिवेटेड है, तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये ओके का बटन दब जाएगा और आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल जो है आपके एस्केप के बटन पे है, आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो विदाउट एप्लीकेशन के बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह से हम यूज करते हैं अपना पेज सेटअप, इसका शॉर्टकट है Alt दबा के रखते हुए एस, Alt एस एक शॉर्टकट है इसको लाने का, और अगर Alt की के जरिए वैसे वाले देख रहे हैं तो Alt एक बार प्रेस कीजिए, या पी आ गया और फिर इसके लिए एस पी दिखा रहा है पेज सेटअप के लिए, तो एस। अब यहाँ पे L के नीचे अंडरलाइन है, लैंडस्केप करना है और दबा के रखते हुए L दबाया, फिट टू वन करना है तो यहाँ पे क्या F है और दबा के रखते हुए F। तो मान लीजिए मुझे यहाँ जाना है,
इसमें क्या है, यहाँ पर जाने के लिए आप टैब यूज कर सकते हैं। टैब का बटन सिंपली यूज करेंगे तो आपका अलग अलग उसमें ऑप्शंस में चलता चला जाएगा सीधे, सिंपल टैब। ठीक है जी, मान लीजिए 51 में आना है तो ऑल टैब दबाया मैंने और देन ओके के लिए मैंने बताया एंटर, आपका अप्लाई हो गया, एस्केप करके बाहर आ जाइए। ये अप्लाई होना था, हो गया वहां, यहाँ पे बाहर आ गया। ठीक है, तो ये रहा शॉर्टकट का तीसरा तरीका, इससे बाहर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है जी, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी मास्टर हो जाएंगे इस चीज को। ठीक है जी, और एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया, जब कंप्यूटर सीखा था तभी शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस की थी, अपना विंडोज शॉर्टकट्स की। पर अगर मैं पूछूं कि अपना विंडोज 7 में शो डेस्कटॉप किधर होता है, तो आप कहां बताएंगे किधर होता है? आप तो विंडो का बटन दबा के डी यूज करते हैं। ठीक है जी, डी यूज करते हैं डेस्कटॉप दिखाने के लिए। तो अब अगर मैं पूछूं कि कहां पे है, तो आप में से कोई बता सकता है शो डेस्कटॉप कहां पे है? हाँ जी, किस चीज के बारे में? शो डेस्कटॉप कहां पे है? अगर हम लोग राइट क्लिक करें उसके ऊपर जाके नीचे टास्क बार के ऊपर, तो वहां ही आता है। यहाँ पे आप कह रहे हैं जी? हाँ, ये तो पहले भी था, वैसे कह रहा हूँ ऑप्शन। पहले क्या था ना, एक्सपी में एक बटन सा आता था निशान। ओके, हाँ वो, इसमें वो निशान कहां पे है? या वो ऑप्शन कहां पे है कि क्लिक करके हो जाए? इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप टाइम के बगल में चले जाइए, यहाँ ये है वो ऑप्शन। ठीक है सर, यहां से अगर मैं दबाता हूं तो ये शो डेस्कटॉप का ये ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि चीजें बदल चुकी हैं और टाइम है अपडेट होने का। तो अब क्या करेंगे, अब आपको एक लिस्ट चाहिए कि कहां से मिलेगी लिस्ट। एक्सेल में पहले हमें कहां से मिलेगी लिस्ट, तो F1 प्रेस कीजिए, हेल्प फाइल। ठीक है जी, यहां डाल दीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट डालेंगे तो एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की आपको दिखेगा, क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ चलने वाले, कंट्रोल की के साथ चलने वाले सारे शॉर्टकट यहाँ पे अवेलेबल है, फुल लिस्ट है। देन F1 की, ठीक है जी, एरो की सिलेक्शन के लिए, और अलग अलग की से अगर अलग अलग शॉर्टकट है तो वो यहाँ पे पूरी लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी, तो यहां से एक तो अपडेट हो सकते हैं। दूसरा, विंडो के लिए भी सेम चीज कीजिए, डेस्कटॉप पे आके F1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे भी वही डाल दीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट। शॉर्टकट है यहाँ पे, आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से इनको देखेंगे तो सारे आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे। ठीक है जी, फुल लिस्ट है। देखने वाली चीज क्या है, विंडो लोगों की के शॉर्टकट पहले 2-3 आते थे, आजकल पूरी लिस्ट आने लगी है, बहुत लंबी चौड़ी, बहुत यूजफुल है। दूसरा, डायलॉग बॉक्सेस के अभी मैंने बताए तो वो ये रही आपकी लिस्ट। ठीक है जी, हर विंडो में चलती है किसी भी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें काफी सारे शॉर्टकट है, एक्सप्लोरर पे लिस्ट है। ठीक है जी, तो ये पूरी लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपना एक्सेल की कस्टमाइजेशन पे। ठीक है, शॉर्टकट्स हमें इतना ही, एक्सेल की कस्टमाइजेशन पे आते हैं। कस्टमाइजेशन क्यों यूज करते हैं हम, एक्सेल को कस्टमाइज क्यों करना चाहते हैं? कई बार क्या होता है कि मेरी स्पेसिफिक नीड होती है। आप देख रहे होंगे मेरी जो शीट है, मैंने नई शीट ली है। ठीक है जी, बस इसमें 6 शीट है,
आप देखेंगे इसमें जो मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट है वो एरियल का है, जो कि आप लोगों में कैलिब्री होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट 10 या 11 का होता है, मेरे में 12 का है, ठीक है जी। तो ये सब सेटिंग मुझे करनी है तो कहाँ मिले? और कई बार क्या होता है कि हमारे स्क्रीन में से ये जो ड्रैग करने वाला ऑप्शन है, ये डॉट है, ये गायब होता है, ठीक है। वो लाना है वापस तो कहाँ से आएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे एक्सेल के कस्टमाइजेशन एक्सेल ऑप्शंस में। जो ऑफिस बटन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे और ये रहे हमारे एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम कुछ भी टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं और जब इस पर सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो एक छोटी सी टूल बार आती है जिसे मिनी टूल बार कहा जाता है। बाय एनी चांस ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही है, गायब हो गई, कहां से वापस ला गई? तो आप इस पे जाएंगे ऑफिस बटन पे, एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, पॉपुलर टैब के अंदर पहला ऑप्शन यही है, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि ये गलती से अनचेक हो गया, तो आप कितना भी टाइप कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, ये वापस नहीं आएगी, ठीक है। वापस लाने के लिए आपको एक्सेल ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा, ओके। देन क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्ट किया हमने और यहां से मैं कुछ कलर स्टाइल देना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक क्लिक किया नहीं है, बस खाली मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखा रहा है। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू क्या होता है कि कई बार आपका लाइव प्रीव्यू एक्टिव नहीं है, दिखा नहीं रहा है, ऐसे क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये ऑफ हो जाता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू का बटन। तो आप कितना भी सिलेक्शन करके घुमाते रहे, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो एक्सेल ऑप्शन के अंदर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, मेरे पास एक डेवलपर टूल बार है, डेवलपर टैब है अलग से, जिसको मैं यूज करता हूँ वीबीए मैक्रोस के लिए, यूजर फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है जी। डेवलपर टूल बार आपकी एक्सेल में नहीं होगा, इसको कहां से लाना है? वापस चले जाइए एक्सेल ऑप्शन में और यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन रिबन होगा, उसको चेक कर दीजिए, ओके करेंगे तो आपकी वो टैब आ जाएगी, डेवलपर की टैब आ जाएगी, ठीक है। दिन में बात कर रहा था कि डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करना है, डिफॉल्ट शीट सेट करनी है, तो एक्सेल ऑप्शन में जाके देखेंगे तो ये रहा आपका एरियल का मैंने फॉन्ट सेट कर रखा है। कोई भी फॉन्ट यहाँ चूज करेंगे वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा किसी भी फाइल के लिए। फॉन्ट का साइज आप चूज कर सकते हैं, व्यू आप चूज कर सकते हैं, नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू पेज लेआउट व्यू, और शीट्स जितनी आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, 255 तक, 255 तक शीट आप डिफॉल्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपकी डिफॉल्ट सेटिंग की जाती है। एक और चीज कि मेरा एक्सेल आप देख रहे हैं कि कुछ अलग ही कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक थीम। एक कलर स्कीम है जिसके अंदर तीन आपको ऑप्शन मिलते हैं, ब्लू सिल्वर ब्लैक। तो सपोज मैं ब्लू ले लेता हूं और ओके कर देता हूं, तो ये मेरा एक्सेल ब्लू में हो गया, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बता तो दिया कि आप टूल टिप में चले जाइए, यहाँ पे जाएंगे तो आपको स्क्रीन टिप दिखा देगा, पर कई बार क्या हो रहा है, ये स्क्रीन टिप ही नहीं आ रही है। तो स्क्रीन टिप की भी सेटिंग है अपनी, इसी के नीचे देखेंगे तो शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। अब यहाँ पे आपको काफी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा, और अगर डोंट शो स्क्रीन टिप होगा तो स्क्रीन टिप ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं जब भी स्क्रीन टिप में कोई प्रॉब्लम हो। दूसरा, मैं कोई भी डेटा बनाता हूं जहां मैंने अपना नाम लिखा है और इसको मैं ड्रैग करता हूं तो बाकी नाम आ गए, ठीक है।
किसी सिटी का नाम लिखता हूँ और जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो और सिटी के नाम आ गए। कोई आइटम नेम लिखता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ तो कोई और आइटम भी आ गए मेरे पास। तो मेरा कहने का मतलब है टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए ये ऑप्शन मैंने इसमें फीड कर रखे हैं कि मुझे जब भी डेटा बनाना हो मैं खाली एक लिखूं और ड्रैग कर दूं, उससे रिलेटेड वैल्यूज आ जानी चाहिए। ठीक है, ये कहां से करते हैं? ड्रैगिंग का ऑप्शन आप जानते हैं कि हम जनवरी फरवरी जब करते हैं तो कुछ चीजें ड्रैग हो जाती है, कुछ नहीं हो जाती। अब जनवरी फरवरी तो ड्रैग हो रहा है, पर इसी की जगह मैं ए बी सी डी ड्रैग करना चाहूं तो वो नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है? ए बी वही रिवर्ट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये ना कहीं स्टोर होता है। आप इसको बताते हैं कि ये ऐसा होगा, ये कहाँ होता है? एक्सेल ऑप्शंस में जाके आपका होता है एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट में देखेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है न्यू लिस्ट, दूसरा सन मन करके ऐसा होता है, ये डिसेबल्ड आता है, यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तो सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग है संडे मंडे जनवरी फरवरी, इसलिए आता है। ठीक है, बाकी ये संदीप वंदीप ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे जाके बस टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने नया नाम लिख दिया विजय। ठीक है जी, ऐड कर दिया इसे, ओके कर दिया। तो जब भी मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा विजय भी आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की लिस्ट हो जो आप बार बार यूज करते हैं तो आप उसको एडिट कस्टम लिस्ट में फीड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया ए बी सी डी, अब मुझे इसे भी ड्रैगिंग लायक बनाना है, मैं क्या करूंगा उसमें ऐड कर सकता हूं। एक्सेल ऑप्शन में गया, एडिट कस्टम लिस्ट में गया, अगर मेरे पास एक्सेल में लिस्ट है या तो मैं यहां पे भी टाइप कर सकता हूं या इंपोर्ट कर सकता हूं। यहां पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, देन इधर वापस क्लिक करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, वो यहां पे आ जाएगी, ऐड कर दूंगा, इधर दिखाई देने लग जाएगी। मैंने क्या किया, अब ए बी सी डी इसमें ऐड कर दी, मुझे क्या करना है, ए लिखना है बस, और ड्रैग करना है और बाकी सारी ये ड्रैगिंग होने लग गई। ठीक है जी, कोई किसी भी केस में करूं स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप टाइप करेंगे उस केस में दिखाने लगेगा। ठीक है जी, तो आप इसको यूज कर सकते। इसका एडिशनल यूज मैं फिल्टर एंड सॉर्ट में भी बताऊंगा आपको, कस्टम लिस्ट को जहां एडिशनल और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूलाज पे। तो आपने देखा होगा कि आपके फॉर्मूला जब भी आप लगाते हैं, यहाँ पे कुछ मैं दे देता हूँ वैल्यूज और यहाँ मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। सम का जब मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ भी तो नीचे मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है रिजल्ट ही चेंज हो गया, मतलब आपने चेंज कर दी वैल्यू पर यहाँ फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहा है, होता क्या है उस केस में? एक्सेल ऑप्शन में जाके जब आप फॉर्मूला में जाते हैं तो यहाँ वर्कबुक की कैलकुलेशन के तीन मोड होते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल एक्सेप्ट एंड मैनुअल। जब आपका मैनुअल से सेट होता है तो क्या होता है कि अगर आप उसमें कोई भी वैल्यू बदल लें ये आपको चेंजिंग नहीं दिखाएगा। अगर आपको चेंजिंग देखनी है तो F9 दबाना पड़ेगा। F9 क्यों दबाना पड़ेगा? फॉर्मूला टैब में जाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट है, कैलकुलेट शीट पे जाएंगे तो कैलकुलेट नाउ पे जाएंगे तो F9 इसका शॉर्टकट। तो किसी भी फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है या पूरी शीट के फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है तो हम ये शॉर्टकट या ये ऑप्शन यूज करते हैं। वही तीनों मोड आपके यहाँ पे भी दिखाता है। मैनुअल केस में क्या होता है कैलकुलेशन हो जाती है ऑफ। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है, हल्की सी भी रिफ्रेश होता है, कहीं मैंने वैल्यू एंटर की उसी टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो रहा हो तो मान लीजिए वो मैनुअल में सेट है तो उसे ऑटोमेटिक कर देंगे, चाहे वहां से भी कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शंस में फॉर्मूला में जाके या ऑटोमेटिक में क्लिक कर दे, ओके कर दे। ठीक है जी, आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा। कैलकुलेशन हम जान के भी कई बार ऑफ करते हैं, क्यों करते हैं? कई बार हमारे पास ऐसी मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल आ गई एक्सेल की, अब वो हो रही है हैंग। अब हैंग फाइल का होने का क्या रीजन होता है कि वो जितने मान लीजिए लाख दो लाख फॉर्मूले आपके उसमें लगे और हर एक कैलकुलेट कर रहा है तो आपके प्रोसेसर पे लोड पड़ जाता है और कैलकुलेशन स्पीड स्लो हो जाती है, इस कारण आपकी फाइल हैंग करने लगती है। तो जब कभी ऐसी फाइल खोले तो बेटर है कि उसको मैनुअल में करके खोले ताकि आप काम करने के बाद अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर सकें और उसे पूरा टाइम दे कैलकुलेट होने। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने एक एरर बहुत कॉमन देखी होगी, सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? जब दो फॉर्मूला आपस में अपने आप को ही कॉल कर रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब मैंने कह दिया कि यहां से मैंने कहा इक्वल टू नीचे वाली सेल और इसमें प्लस 10। ठीक है, अब मैंने नीचे वाली सेल को कह दिया कि ऊपर वाली सेल और प्लस 10, इसमें क्या हुआ? ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया, यहां लग गया आपका सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, एरर बन गया। बट अगर आप इस तरह का मैथमेटिक तगड़ी कैलकुलेशन करते हैं आप सर्कुलर रेफरेंस को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेल ऑप्शंस में फॉर्मूलाज के अंदर ये ऑप्शन होता है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन का। मैं चाहता हूं वो फॉर्मूला चले और कितनी बार चले, 100 बार चले, 50 बार चले, तो 50 बार तक चलेगा और अपनी वैल्यू दिखाएगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब G3 में G4 में प्लस 10 तो हुआ पर G4 की वैल्यू उस टाइम थी 0, 10 हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऐसे ऊपर नीचे कैलकुलेट करते हुए 50 बार इन्होंने आपस में कैलकुलेट कर दिया फिर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला के अंदर आप इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा वापस से एरर आ जाएगी। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूं। तो सर्कुलर रेफरेंस को भी हम यूज कर सकते हैं। देन अपना रेफरेंसिंग स्टाइल R1C1 रेफरेंस स्टाइल, अब देख रहे होंगे कि यहां पे कॉलम में ABCD दिखा रहा है और यहां रो में 1 2 3 4 दिखा रहा है। ठीक है, इसमें दो तरह के रेफरेंस स्टाइल होते हैं, मतलब जिससे आप एड्रेस को पहचानते हैं। एक तो हो गया कि यहां पे गया तो इस सेल का नाम क्या है, A1 है, इसमें गया तो यहां पे इसका नाम B2 है। यहां पे क्या है, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड है, इनके नाम नहीं चेंज होंगे। अगर मुझे इस सेल से डेटा चाहिए, मान लीजिए कुछ डेटा है यहां, तो मुझे यहां पे B1 लिखना, B2 लिखना पड़ेगा तो इसका रिजल्ट आएगा। ये वही फिक्स्ड रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। नेक्स्ट रेफरेंस स्टाइल जो है इसका है वो है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, R1C1 स्टाइल चलता है। इसमें आपके जो कॉलम है वो भी 1 2 3 4 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने B2 को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, और मुझे इसे बताना पड़ेगा कि कितने रो कॉलम मुझे आगे पीछे जाना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये दिखा रहा है R-4 C-5। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा चलाते हैं अभी समझ आ जाएगा। तो अगर मैं अपनी सेल पे वापस आ गया तो RC दिखा रहा है, यानी R0 C0, रो 0 कॉलम 0। नीचे आया एक तो R1 दिखा रहा है, मतलब रो 1 कॉलम 0। कॉलम में भी बढ़ गया तो रो 1 कॉलम 1, कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे कॉलम में बढ़ रहा हूं तो कॉलम 3।
नीचे बढ़ रहा हूँ तो थ्री कॉलम फोर, ठीक है जी। तो ये प्लस में मूवमेंट हुआ। अब मान लीजिए मैं रो में जाता हूँ माइनस में, रो वन तो इसके जीरो तो ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। कॉलम में भी माइनस में जाता हूँ तो ये बेस कॉलम से पीछे जाना पड़ेगा। तो इस तरह ये हुआ रो माइनस फोर कॉलम माइनस फाइव, ठीक है जी। अब इस सेल से मैं जो रेफरेंसिंग दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ। अब यहाँ से अगर दूंगा तो इसका फिर से रेफरेंस चेंज हो जाएगा, तो मतलब नेम चेंज हो गया। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, जो कि ये कहता है कि मैं जहां खड़ा हूं वहीं से लाइन शुरू होती है, ठीक है जी। तो ये रेफरेंस स्टाइल है जिसमें दोनों रेफरेंस के नाम चेंज हो जाते हैं, इसी के लिए कुछ और होगा, उसी के लिए कुछ और, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको वीबीए में इसकी जरूरत पड़ेगी। वीबीए में हम रिलेटिव रेफरेंस में सारा काम करते हैं, ठीक है जी। दूसरा चलते हैं, इसको देखते हैं एरर चेकिंग में। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, ये कुछ जनरल है, इनको नहीं बताऊंगा। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जैसे आप इक्वल टू दबाते हैं, अभी कुछ भी टाइप करने चलते हैं लिस्ट आ जाती है, उसे ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। अगर वो वहां ऑफ होगा तो ये लिस्ट नहीं दिखाएगा। आगे देखते हैं कि कई बार हम मान लीजिए चेक नंबर एंटर कर रहे हैं और जीरो से एंटर कर रहे हैं, छह डिजिट के होते हैं मान लीजिए, और मैंने छह डिजिट डाल दी, आगे दो डिजिट जीरो है। तो जीरो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं। अपोस्ट्रोफ ऐसे होता है ना, इट्स इट, तो वो अपोस्ट्रोफ का साइन लगाते हैं जीरो को रोकने के लिए। तो ये आपको दिखाता है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एरर का साइन यहाँ दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो पहले पहले आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे तो आगे के जीरो लॉस्ट हो जाएंगे, अपोस्ट्रोफ भी हट जाएगा और ये नंबर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि वैसे अगर आप नंबर लिखने की कोशिश करें तो जीरो नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये हरी सी लाइन क्यों आ रही थी, हरा सा वो साइन क्यों आ रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड एरर चेकिंग के कुछ ऑप्शन यहाँ पे होते हैं फॉर्मूला के अंदर, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, और यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है कि किस कलर से दिखा रहा है, ग्रीन कलर से दिखा रहा था। और रूल्स ये हैं, और जिस रूल के अंतर्गत नंबर में एरर दी गई वो ये था, नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रीसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफ, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि वो एरर ना दिखाए तो इसको अनचेक कर सकते हैं। तो यहाँ उन्हीं रूल्स के मुताबिक कुछ सेटिंग है बैकग्राउंड एरर की, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर सी लिख रहे हैं और जैसे एंटर करेंगे वो कॉपीराइट के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, मेरा होगा नहीं क्योंकि मैंने वो रिमूव कर दिया। मेरे में एक चीज है टीएम, टीएम जैसे करता हूं ब्रैकेट में ट्रेडमार्क के साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको लिखना जब वही है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है तो एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है कि वही चीज कैसे लिखें। क्या होता है कि एक्सेल में कुछ ऑटो करेक्ट के ऑप्शन होते हैं, कहाँ होते हैं, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे, ये प्रूफिंग के अंदर कहते आ जाते हैं। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आपका ये जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, तो मैं क्या लिख रहा था, टीएम लिख रहा था जो कि कन्वर्ट हो रहा था इसके साथ। ऐसा ही कॉपीराइट के लिए, ऐसा ही रजिस्टर के लिए, कई वर्ड अपने आप ठीक हो जाते हैं ना, तो वो ये है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसको अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए ये प्रोसीजर थम जाएगा, आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख पाए। पर इसको आप पॉजिटिव यूज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका कुछ यूज करूं, मान लीजिए मेरा नाम है, मैं इसको पहले ओके करके आता हूं तो फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन ओके कर देता हूं। तो यहां पे मैं जो दे के ना कुछ भी ऐड कर सकता हूं कि क्या लिखूं और वो किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए, ऐड करूंगा। तो मैंने इसी तरह एसएस के ऊपर अपना नाम देके ऐड कर दिया था, ठीक है जी। केपी के ऊपर मैंने एक केपी शर्मा ऐड कर,
के ऐड कर दिया था यहाँ। तो क्या हुआ कि जब मुझे नाम लिखना होता है मैं एसएस डालता हूँ, मैंने ओके किया कि नहीं किया देख लेते हैं। तो फिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन रिप्लेस एज यू टाइप में ओके करना है, एसएस देखो है ओके ओके, ये टाइप कर यहाँ नहीं केपी क्या हो गया इसमें ऑटो करेक्ट रिप्लेस दैट एज यू टाइप ओके ओके। कहीं से कुछ इसमें ऑफ हो गया, आप अपने में करेंगे उसको ओके कर देंगे वो चल जाएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो आप इसको अपने अपने उस पर करेंगे एक्सेल में तो ये काम करेगा ठीक है। बाकी हम देखते हैं कई बार हमने टाइप किया गलत स्पेलिंग कर दी, एक जगह टाइप किया कैपिटल केस में स्मॉल केस में, F7 दबाया स्पेल चेक के लिए तो इसका दिखा दिया ठीक है। बट आप करेंगे आपके सिस्टम में इग्नोर ऑल कर इग्नोर वंस करके आगे बढ़ेंगे तो मेरे में कैपिटल दिखा रहा है कैपिटल को भी पकड़ रहा है, आपके में नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि आपके में जो ये ऑप्शन है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस ये चेक होगा तो वो अपर केस के वर्ड्स को इग्नोर कर जाएगा। अगर मैं अब F7 दबाऊं तो ये नहीं दिखाएगा कोई दिखाएगा। देन क्या करते हैं कई बार हम कोई ईमेल आईडी टाइप करते हैं और ये कन्वर्ट हो रही है लिंक में, कोई वेब एड्रेस टाइप किया ये भी कन्वर्ट हो गया लिंक में। अब मैं जाके इस पे वो करना चाहूं एडिट करना चाहूं तो कई बार क्या हो गया गलती से क्लिक हो गया कुछ हो गया। मैं चाहता हूं कि ये लिखा तो जाए पर कन्वर्जन हाइपरलिंक में ना हो क्योंकि एडिट करना चाह रहा हूं यहां क्लिक हो रहा है। तो हाइपरलिंक कन्वर्जन को रोकने के लिए आप प्रूफिंग में जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक अनचेक कर देंगे ठीक है जी। अब तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। जितने भी चीजें सेटिंग्स मैंने बताई हैं उसको आप करें तो सही बट उसको ठीक भी कर दें साथ के साथ, अदरवाइज आप भूल जाएंगे और पता चले आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहां से कौन सी सेटिंग चेंज ठीक है जी। तो अभी मैं प्रूफिंग तक आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में कल हम आगे सेव से आगे करेंगे ठीक है जी। ओके सर।